तो आइए देखते हैं कि यूक्लिडियन स्पेस क्या है। यूक्लिडियन स्पेस को यूँ डिफाइन किया जा सकता है, अ फिजिकल स्पेस विच सेटिस्फाई द एक्जियम्स ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज कॉल्ड यूक्लिडियन स्पेस। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अगर आप ये डायग्राम पे गौर करें, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास तीन एक्सेस हैं। एक जो एक्सेस है या एक लाइन, उसको एक्स एक्सिस का नाम दिया गया, दूसरी जो लाइन है इसको वाई एक्सिस का नाम दिया गया, इसी तरह से एक तीसरी एक्सिस है जिसको जी एक्सिस का नाम दिया गया। तो इन तीनों एक्सिस की प्रॉपर्टीज ये है कि ये तीनों इन्फिनेटली एक्सटेंडेड लाइंस हैं और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस म्यूचुअल पॉइंट को ओरिजिन का नाम दिया जाएगा। और फिर इनकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि ये परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अब इसके ऊपर किसी भी वेक्टर को या किसी भी पॉइंट को कैसे शो किया जा सकता है? ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है या दो सेट्स की ज़रूरत है, जिसमें से एक सेट होगा स्केलर नंबर्स का और एक सेट होगा यूनिट वेक्टर्स का। अब यूनिट वेक्टर्स क्या हैं? यूनिट वेक्टर्स यहाँ पर इस डायग्राम में शो किए गए हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है जिसको आई यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है, इसी तरह वाई एक्सिस के लॉन्ग जे यूनिट वेक्टर है, जी एक्सिस के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर है। अब इन यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ही किसी भी पॉइंट को शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना है तो इस यूनिट वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस यूनिट वेक्टर को स्केल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट्स चलना है तो यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये आई प्लस आई यानी कि 2 टाइम्स आई आ जाएगा। सिमिलरली फॉर दी वाई एक्सेस एंड जी एक्सेस। तो इसमें दो सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी यूक्लिडियन स्पेस में किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए। वो दो सेट्स क्या होंगे? उनमें से एक स्केलर नंबर्स का सेट होगा और एक वेक्टर्स का सेट होगा। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो शो किए गए हैं, इसकी चॉइस कोई यूनिक नहीं है, ये अपनी मर्जी से भी सेलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आसानी की खातिर इसको यूनिट वेक्टर या जो यूनिट स्केल है उसी में मेजर किया जाता है। इस यूक्लिडियन स्पेस में किसी पॉइंट को कैसे शो किया जा सकता है? किसी पॉइंट को शो करने के लिए हमें दो स्टेप्स करना होंगे, यानी कि दो काम यहाँ पर करना होंगे। उसमें सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो पॉइंट शो करना है उसके स्केलर्स डिफाइन करने होंगे। स्केलर्स को जनरली लिखा जाता है ए एक्स, ए वाई और ए जी के साथ। और दूसरा, हमें यूनिट वेक्टर्स जो पहले से हमने डिफाइन किए हुए हैं, लाइक हम ओरिजिन से शुरू करते हैं, हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स टाइम चलते हैं, देन हम वाई एक्सिस के लॉन्ग ए वाई टाइम चलते हैं, और इसी तरह से जी एक्सिस के लॉन्ग ए जी टाइम्स चलते हैं। तो हमारे पास तीन डिफरेंट यूनिट्स आ जाएंगे। फिर दूसरा स्टेप यहाँ पर क्या होगा, इन तीनों डिफरेंट यूनिट्स को हम ऐड करेंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। यूजिंग हेड टू टेल रूल ऐड करके जो एक वेक्टर बनेगा वो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर बताया गया है, जो कि होगा वेक्टर वी दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट प्लस ए वाई जे हैट प्लस ए जी के हैट। अब ये जो वेक्टर लिखा गया है, इसको एक और भी नाम दिया जाता है जो कि है लीनियर कम्बिनेशन। तो यूक्लिडियन स्पेस से आप वेरी फेमिलियर हैं, आमतौर पे हम फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। तो ये जस्ट आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया गया है टू लर्न अबाउट द वेक्टर स्पेस। अच्छा, अब थ्रू आउट क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि हमने दो डिफरेंट फॉर्मेलिज्म्स पढ़नी है जिसमें से एक होगी वेक्टर मैकेनिक्स, तो इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स की फॉर्म में आई जे और के यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? आई यूनिट वेक्टर को लिखा जाएगा आई हैट 0 एंड 0, यानी कि पहला कंपोनेंट इसका आ जाएगा आई हैट, दूसरे जो दो एलिमेंट्स होंगे वो 0 कंसीडर होंगे। इसी तरह से जे वेक्टर को लिखा जा सकता है 0 जे हैट 0, और के वेक्टर को लिखा जा सकता है 0 0 एंड k हैट। अगर ये वैल्यूज हम उसी इक्वेशन में जो कि लीनियर कम्बिनेशन था, यानी कि एक वेक्टर की फॉर्म, उसमें पुट करें, तो जो वेक्टर वी है वो क्या बन जाएगा? वेक्टर वी बन जाएगा ए एक्स टाइम्स दैट मैट्रिक्स
I matrix and AY times J hat matrix plus AZ times K hat matrix. अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास अगेन वही फॉर्म आ जाती है जो कि हमने लास्ट टाइम लिखी है एक वेक्टर के लिए, दैट इज ए एक्स इंटू आई हैट प्लस ए वाई इंटू जे हैट प्लस ए जी इंटू के हैट। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को उसकी मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आइंदा हम देखेंगे डिराक नोटेशन का, अगला लेक्चर होगा तो डिराक नोटेशन में हम ये देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को कैसे वेक्टर्स में शो किया जा सकता है।